ये कहानी नहीं है। मध्य प्रदेश के बरचिरी गांव का गोरेलाल भोपाल आया, कुछ हड़बड़ाया, सो रास्ता पूछा। नुक्कड़ पे डॉक्टर का बोर्ड होगा, पढ़ लेना। क्या पढ़ना नहीं आता? मेरा जिंदगी में कुछ नहीं होना। एक बार शादी में भी पगड़ी उछाली गई, बस ठान ली के और अपमानित नहीं होना। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने ज्ञान के द्वार खोल दिए, जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया। उम्र की झिझक थी तो पत्नी ने भी साथ दिया। क्लास लगी हो या खेत, वो तो बातें कम और पढ़ाई ज्यादा। 3 महीने में तो वही गोरेलाल अपने 90 वर्षीय पिता को रामायण सुनाते हैं, गांव वालों को दुनिया के समाचार बताते हैं, पोते नातियों की पढ़ाई देखते हैं, शाला विकास समिति पर हैं और 80,000 रुपए इकट्ठा करके स्कूल का नया भवन बनवाया। पढ़ना लिखना सीख लिया तो जिंदगी को जीत लिया। ये कहानी नहीं है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। मध्य प्रदेश के बरजीरी गांव के गोरेलाल की निरक्षरता का शहर के पान वाले ने मजाक उड़ाया। पढ़ना नहीं आता, मेरा जिंदगी में कुछ नहीं होना। पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने ज्ञान के द्वार खोल दिए, जीने का तरीका ही बदल दिया। गोरेलाल भी समय नष्ट न करते, आज वो रामायण और अखबार पढ़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई देखते हैं, चंदा इकट्ठा करके स्कूल का नया भवन बनवाया। ये कहानी नहीं है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन।